तो हेलो गाइस, मैं आ गया फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। और गाइस आज आए हमारे गांव में। ये हमारे गांव में गणेश जी का मंदिर है, श्री गणपति। और ये जालने ज़िले में आता है, महाराष्ट्र जालने ज़िले में। इस गांव का नाम है गणपति राजूर। तो देख सकते हो गाइस ये मंदिर, आज तुम्हें ये सब मंदिर दिखाऊंगा इसमें। और यहाँ पब्लिक भी बहुत सारी है, ये हमारे गाँव में पड़ता है, तुम्हें सब दिखाएँगे आगे चल के। चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाना है हमें, देख सकते हो ये बीच में कमान जैसा है, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाना है गाइस, देख सकते हो। और हम जा रहे हैं, ये देख सकते हो ऊपर बहुत धूप चल रही है। गणेश चतुर्थी के दिन तो बहुत गाइस बहुत ही पब्लिक होती है यहाँ, पैर रखने के लोगों ने रहती है, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो बहुत सारी सीढ़ियाँ है, ये पूरी सीढ़ियाँ पार करके हमें जाना है। और यहाँ छोटी सी कुंड है, देख सकते हो। ये महाराष्ट्र में एक नंबर ही मतलब गणेश जी का मंदिर ऐसा भारी है महाराष्ट्र में, कहीं नहीं दिखाई देगा गाइस। ये महाराष्ट्र में जालने ज़िले में आता है और ये हमारे गाँव में ही मंदिर, देख सकते हो तुम। इतना भारी मंदिर महाराष्ट्र में गणेश जी का कहीं नहीं है। और ये देख सकते हो और कितना ऊपर है, बहुत सारा ऊपर जाना पड़ता है गाइस, ये देख सकते हो। जा रहे हम ऊपर, पूरी धूप में ही गाइस जाना पड़ेगा ऊपर। और तुम बताएंगे ऊपर क्या क्या है, जो जो देखने मिलेंगे तुम सब दिखाएंगे, और अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा देखने। हम मैं छोटा था गाइस, जब से इस मंदिर पर आता हूँ करके, ये हमारे गाँव में ही पड़ता है, आज हमारे गाँव का ही बता रहा हूँ। ये राजूरेश्वर गांव हमारा है, इस गांव में ये मंदिर है, तुम्हें सब दिखाएंगे गाइस, ये देख सकते हो बहुत सारी। और आगे भी व्यू दिखाऊंगा तुम्हें। तो गाइस हमारे अंदर एंट्री हो चुकी है, ये देख सकते हो अंदर का नज़ारा, ऊपर भी देख सकते हो। चलो आगे देखेंगे दर्शन लेके गणेश जी के। और गाइस गणेश जी के साथ मतलब दर्शन तो हो चुका है हमारा, अंदर एंट्री तो मैं हो गया था, पहले ही दर्शन हो चुका है। और थोड़ा देर लगा दर्शन के लिए, अगर पब्लिक बहुत थी इस बात तो नहीं गाइस, गणेश चतुर्थी के दिन तो बहुत ही पब्लिक रहती है। ये देख सकते हो तुम क्या क्या लगा है बाहर, अब सुबह से आओ तो शाम में ही नंबर लग सकता है दर्शन के लिए गाइस। और ये नीचे का व्यू, और इसी मंदिर के ऊपर और एक शंकर भगवान जी का भी मंदिर है, वो भी तुम्हें दिखाऊंगा गाइस, देख सकते हो आगे। चलो और ये व्यू, तो गाइस ये शंकर भगवान जी का मंदिर, ये गणेश जी के मंदिर के पास में ही, ये देख सकते हो।
धूप है और ये धूप में खड़े वाला हूँ मैं। और ये धूप में भी यहाँ जो ये लोग आते हैं तो ऊपर ये बादाम के झाड़ ऐसे झाड़ लगे वाले हैं कि बैठने के लिए, ऊपर आने के बाद धूप होएगी तो तुम्हें बैठने के लिए सब सब मिलेगा यहाँ, सब व्यवस्थित करके रखा है यहाँ। और ये देख सकते हो तुम मेरे पीछे पब्लिक बहुत है, लेकिन ये तो धूप के टाइम में इतनी पब्लिक नहीं रहती है गाइस, शाम के 4 बजे में बहुत पब्लिक आती है गाइस यहाँ, ये देख सकते हो तुम। यानी ये मेरे पीछे मंदिर श्री गणेश जी का, और अच्छा अच्छा लग रहा है गाइस मुझे यहाँ आके आके क्या गाइस, मैं तो यहाँ का जूँ। मैं कभी भी फुर्सत में गाइस, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कभी भी यहाँ आता हूँ गाइस, यहाँ ब्लॉक निकालने, ब्लॉक तो समझो ये आज निकाल रहा हूँ मैं, कभी मैं छोटा था जब से यहाँ आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद गाइस, देख सकते हो तुम। और ये मेरे पीछे का व्यू, बहुत सारी पब्लिक है यहाँ देख सकते हो तुम, और पीछे ही गणेश जी का मंदिर है, और काफ़ी धूप हो रही है गाइस, तो मिलता हूँ आगे। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और ये हमारे गांव का मंदिर कैसा लगा वो कमेंट करके बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।